हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सभी। आई होप यू ऑल आर फाइन। आज इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल का सबसे पहला और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट डिस्ट्रीब्यूशन, दैट इज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को बेल डिस्ट्रीब्यूशन भी बोल देते हैं, क्योंकि यहाँ पे बेल शेप कर्व बनती है, जो हमने स्टैंडर्ड डेविएशन के अंदर भी थोड़ी सी बात की थी। तो आज इसको पढ़ते हैं कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का फंक्शन क्या होता है, क्या स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता है और क्या नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, क्या उनमें डिफरेंस है और किस तरीके से हम न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हैं। तो वेलकम टू गेट्स मेजर्स, मेरा नाम है अंकित रोड़ा। बिना किसी देरी के चलते हैं लैपटॉप के स्क्रीन पे। तो सबसे फर्स्ट डिस्कस करते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के पीडीएफ के ऊपर। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पीडीएफ? पीडीएफ से यहाँ कहने का मतलब है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, कि किस फंक्शन पे हमारा फॉर्मूला काम करने वाला है। तो ये फॉर्मूला हमारे पास होने वाला है जहां पे ये जो एक्स है वो रेंडम वेरिएबल को शो कर रहा है, म्यू रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर मीन को, और ये रिप्रेजेंट कर रहा है हमारे पास वेरिएंस, और अगर हम इसको स्केयर रिमूव कर दे दैट मींस हमारे पास ये शो कर रहा है स्टैंडर्ड डेविएशन। तो इसका मतलब हमें जब भी पीडीएफ यानी कि वैल्यूज जरूरत पड़ेगी, हमें सबसे पहले मीन पता होना चाहिए, हमें स्टैंडर्ड डेविएशन या वेरियंस पता होना चाहिए, ठीक है। और ऑब्वियसली बात है पाई की वैल्यू हमारे पास है, रेंडम वेरिएबल तो हम क्वेश्चन को देख के ही बताएंगे किस तरीके से है। इस पीडीएफ को मैं एक बार अलग तरीके से हैंडल करूंगा, एक बार मैं कॉन्सेप्ट समझाता हूं, ज्यादा अच्छे से आपको क्लियर होगा। कहता है देखो, सबसे पहली बात, अब ये जो रैंडम वेरिएबल है, रैंडम वेरिएबल कहां से कहां तक रहेगा? माइनस इनफिनिटी से इनफिनिटी तक रहेगा। सबसे पहले समझते हैं कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की कर्व किस तरीके से बनती है, जो कि एक फेमस डिस्ट्रीब्यूशन है। ये हमारे पास कर्व होने वाली है इस शेप के अंदर, जो मैंने आपको स्टैंडर्ड डेविएशन के अंदर भी बताई थी। अगर मैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के सिंपल यानी कि बिल्कुल सिंपल फॉर्म के बारे में बात करूं, तो ये जो बीच में वैल्यू पड़ी है, ये क्या पड़ी है? मीन वैल्यू। ये किसको शो कर रही है? मीन वैल्यू को। आफ्टर वन डेविएशन, आफ्टर वन स्टैंडर्ड डेविएशन हमें गैप दिख रहा है कि मीन से वो कितना आगे बैठा है, एक स्टैंडर्ड डेविएशन आगे बैठा है, ये दो स्टैंडर्ड डेविएशन आगे बैठा है, ऐसे ही एक स्टैंडर्ड डेविएशन पीछे बैठा है, दो स्टैंडर्ड डेविएशन पीछे बैठा है अकॉर्डिंग टू द बेल कर्व। और जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया था कि इतना सा जो एरिया है स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशन की स्टैंडर्ड डेविएशन की वीडियो के अंदर, ये जो मेरे पास एरिया है जो इन दोनों लाइंस के बीच में कवर अप हो रहा है, दिस इज द कंप्लीट एरिया ऑफ 68% एरिया ऑफ द कंप्लीट। पूरा कंप्लीट अगर 100% एरिया हमारे पास है, तो ये सारा का सारा एरिया कितना कवर करता है? 68% कवर करता है। और अगर हम एक एक स्टैंडर्ड डेविएशन और लेफ्ट राइट आगे बढ़ जाए, तो ये हमारा पूरा का पूरा एरिया कवर करके जाएगा 95%, जिसको मैंने रेड लाइन से शो किया हुआ है। और अगर एक स्टैंडर्ड डेविएशन और आगे बढ़ जाए, तो 99.7 एरिया हमारा कवर कर जाता है फॉर द ऑफ द टोटल एरिया, ठीक है। तो इस तरीके की हमारी जो है वो कर्व बन के आने वाली है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे क्या निकल के आती है, देखो सबसे इंपॉर्टेंट कि एन जो होगा, जो कंडीशन है वो बहुत प्यार से ध्यान रखोगे, एन यानी कि नंबर ऑफ द ट्रायल्स वो बहुत लार्ज होने वाले हैं, ऑब्वियस सी बात है, CRV कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल रहने वाला है। P और Q दोनों की वैल्यू स्मॉल नहीं होगी, नाइदर P नॉर Q इज स्मॉल। रैंडम वेरिएबल की वैल्यू माइनस इनफिनिटी से इनफिनिटी के बीच में लाया कर सकती है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि CRV चल रहा है, ये डेसिमल्स में भी वैल्यू जाएगी, बहुत बड़ी वैल्यू भी जाएगी, बहुत छोटी वैल्यू भी जाएगी, ठीक है। मीन की वैल्यू माइनस इनफिनिटी से इनफिनिटी के बीच में लाया करेगी, और जो स्टैंडर्ड डेविएशन होगा हमेशा ग्रेटर देन जीरो होगा, क्योंकि ये जो यूनिट है हमेशा जीरो से बड़ा निकल के आने वाला है, नेगेटिव कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि गैप ऑफ द दिस डिस्ट्रीब्यूशन इज शोइंग एज अ स्टैंडर्ड डेविएशन, है ना, वो गैप शो कर रहा है। तो आपको पता चला सबसे पहले कर्व किस तरीके की बनती है, कितने परसेंट कौन एरिया कवर करके जाता है, और इसको हम एक तरह से 68, 95 और 99.7 रूल भी बोल देते हैं ऑफ द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन भी या स्टैंडर्ड डेविएशन भी, ठीक है। नाउ दो चीजें आपको नोट रखनी है, सबसे पहली कि y इज इक्वल टू एफ एक्स, ये जो कर्व बनेगी एक नॉर्मल कर्व बनेगी, जैसे कि आपको शो करके यहाँ पे अगर मैं इसको हाईलाइट करूं तो दिस कर्व इज एफ एक्स, तो ये नॉर्मल कर्व बनने वाली है। सबसे पहली बात, कर्व इज बेल शेप्ड, बेल की शेप में कर्व बन रही है ना, और जिसकी सिमिट्री किसके अराउंड है? एक्स एक्सिस के अराउंड, या आप बोल सकते हो मीन के अराउंड, हम मीन वैल्यू को नीचे शो कर रहे हैं ना एक्स एक्सिस पे, तो ये इस चीज को हमेशा ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, अब अगर मैं इस नोटेशन की बात करूं, जैसे कि मैंने आपको इंटीग्रेशन वाली वीडियो में भी बताया, इंटीग्रेशन ऑफ ए से लेके बी एफ एक्स डी एक्स किसको शो करेगा? एरिया अंडर द कर्व, चाहे वो अब नॉर्मल कर्व है,
तो ऑब्वियस ही बात है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होने वाला है ना। तो अगर मैं आपको ऐसा बोल रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल कि ये वाला एरिया, ये वाला पॉइंट मेरे पास समथिंग मान लो जीरो है या टू है, ये पॉइंट थ्री है, तो मैं क्या कह रहा हूँ, टू से लेके थ्री इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स का मतलब है ये सारा का सारा एरिया, इसकी बात कर रहा हूं मैं, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस या विद रिस्पेक्ट टू मीन, जहां मीन हमने शो किया। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर मीन, मीडियन और मोड हमेशा क्या होते हैं, इक्वल। तो इस पॉइंट को बहुत ध्यान रखोगे, मीन इज इक्वल टू द मीडियन इज इक्वल टू द मोड। तो ये तो हुई नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की बात, जहां पे मैंने आपको बोला इस फॉर्मूला का हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं। बट बी वेरी फ्रेंक, यहाँ पे जब भी आपके पास क्वेश्चन निकल के आएगा वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से नहीं, वो स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से होगा। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, अब इसमें फर्क क्या है ये भी तो हमें पता होना चाहिए। ये तो एक बहुत बड़े सैंपल का डिस्ट्रीब्यूशन बनाया गया जो आपको सामने शो किया कि मान लो 1000 लैक्स पीपल का कोई डिस्ट्रीब्यूशन शो रहा है तो ये रहा है। लेकिन जब हम छोटा सा सैंपल उठाएंगे, उस सैंपल के बारे में बात करेंगे विद सम कंडीशंस, वहां स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन लगेगा, स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट का यूज करेंगे। तो मेन जो टास्क रहने वाला है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में, वो रहने वाला है स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कहता है कि अगर मैं मीन वैल्यू को जीरो लेके चलूं और देखूं कि हर एंट्री जीरो से कितना दूर या कितना पास बैठी है, और स्टैंडर्ड डेविएशन को वन लेके चलूं, तो हमारे पास जो डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा वो क्या रहेगा, स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। यानी कि यहाँ पे मीन की वैल्यू फिक्स हो गई कि जीरो आने वाली है, वेरियंस और स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू ऑब्वियसली बात है दोनों सेम है, वन रहने वाली है। इस पोर्शन को क्या बोला जाएगा, स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट। यहाँ पे जो हमने शो किया हुआ है ना, इस चीज को देखो, स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट, इतने से पोर्शन को, स्केरिंग को रिमूव कर दो। तो हम यहाँ पे मेन काम करने वाले हैं स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट पे। अगर हमें एक्स भी दिया होगा ना, रैंडम वेरिएबल भी दिया होगा, तब भी हम जेड पे कंटिन्यू करेंगे। अब जेड यहाँ पे क्या है, ये स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट को दिखाने का नोटेशन होगी, कैपिटल जेड से हम नोटेशन करने वाले हैं। क्वेश्चन से ज्यादा अच्छे से पता चलेगा, बस एक मिनट मेरी बात सुनो। अब यहाँ पे एक चीज हमेशा ध्यान रखेंगे, जब भी मैं आपको जेड की बात करूंगा आपके माइंड में होना चाहिए मैं स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट पे जा रहा हूँ, जहां मीन जीरो है, स्टैंडर्ड डेविएशन वन है, एक्स इज रैंडम वेरिएबल, म्यू इज मीन एंड दिस इज स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। जैसे कि आप समझते हैं थोड़ा सा इसको और अच्छे से, देखो हमारे पास जो कर्व बनने वाली है वो कर्व तो ऑब्वियस ही बात है बेल शेप बनने वाली है ना, ये शेप हमारे पास आने वाली है। अगर मैं मीन वैल्यू को जीरो ले लूं, और यहाँ पे अब देखो 2 आ गया, -2 आ गया, समथिंग 4 आ जाएगा, -4 आ जाएगा। अब ये जो कर्व शो कर रही है ये एफ ऑफ एक्स नहीं, ये एफ ऑफ जेड में कन्वर्ट हो गई, क्योंकि मैं मीन वैल्यू को जीरो लेके चल रहा हूँ, फिर देख रहा हूँ मेरा डाटा कहाँ पड़ा है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये जो राइट साइड में एरिया बनने वाला है, ये सारा का सारा एरिया क्या होगा, 50% एरिया होगा, यानी कि इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 1/2। और ये राइट में, लेफ्ट में जो एरिया बनने वाला है वो सारा 50% एरिया होगा, यानी कि प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 1/2। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो हमने फोकस रखनी है, हमारा फोकस हमेशा राइट साइड पे होना चाहिए, हमारा फोकस हमेशा पॉजिटिव डायरेक्शन के अंदर होना चाहिए। और ये टेबल मैंने आपको प्रोवाइड किया है जेड की वैल्यू देखने के लिए। अभी भी अगर आपको लेक्चर कुछ समझ नहीं आया है, क्योंकि देखो रिलेट नहीं कर पा रहे होगे कॉन्सेप्ट को, अब मैं बताता हूँ। देखो क्या कहते हैं, हमें कहते हैं कि अगर जेड इज अ नॉर्मल वेरिएट, अगर वो नॉर्मल वेरिएट है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के अंडर काम कर रहा है, सबसे पहले ये समझना जरूरी हो जाएगा आपका कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन किसे बोला जाता है, ठीक है। हमें कहता है प्रोबेबिलिटी निकाल के दिखाओ -0.51 से लेके 0 तक के बीच में। यानी कि इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा अलग से कर रहा हूं, देखो अब यहां पे जो डिमांड कर रहा है ना हमें, वो इस चीज की डिमांड कर रहा है, वो कहता है कि इस एरिया की प्रोबेबिलिटी निकाल के दिखाओ। अगर आपके पास बेल शेप बन रही है तो इस तरीके से होने वाला है, और अगर वो जेड की बात कर रहा है तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ मीन तो जीरो बैठा है ना, और इस तरीके से हमारा बेल शेप बना। हमें यहाँ पे मान लो -0.51 दिया हुआ है ना, जेड की वैल्यू ही गिवन है, और हमें क्या निकालना है, ये एरिया निकाल के दिखाना है जो इसके बीच में आ रहा है। तो अगर मैं ऐसा करूं कि इस एरिया की बजाय मैं ये वाला एरिया निकाल दूं, तो बात तो सेम ही हो जाएगी ना, हाफ एरिया यहाँ बैठा है, हाफ एरिया यहाँ बैठा है। तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, पी ऑफ जीरो ग्रेटर देन इक्वल टू जेड लेस देन इक्वल टू 0.51, बात तो एक ही हो गई। अब देख लो 0.51 की वैल्यू क्या है जेड पे, 0.51
तो 0.5 ये रहा और 0.51 यानी कि 0.1950 इज द करेक्ट आंसर। तो क्या आंसर हो जाएगा, 0.1950 इज द करेक्ट आंसर। इन शॉर्ट हमें सब कुछ z के अंदर ट्रीट करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोड ऑफ z इज लेस देन इक्वल टू 0.6। अब देखो क्या कहता है, p ऑफ मोड ऑफ z इज लेस देन इक्वल टू 0.6। अब अगर मैं मोड को रिमूव कर दूं तो ये यहां पे क्या होने वाला है, लेस देन इक्वल टू 0.6 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू -0.6। मोड का मीनिंग तो यही हो गया ना। तो क्या मैं इसको ऐसा नहीं बोल सकता, ये डिमांड कर रहा है, ये क्वेश्चन जो है वो डिमांड कर रहा है एक ऐसे एरिया की जो कि यहां पे बैठा है 0.6 और यहां बैठा है 0.6 विद नेगेटिव साइन। हमें इस एरिया की बात कर रहे हैं, इस पूरे एरिया की। लेकिन अगर मैं ऐसा कर दूं कि मैं सिर्फ इतना सा एरिया निकालूं और उसको डबल कर लूं, बात तो एक ही है ना, तो क्या मैं इसको ऐसा नहीं लिख सकते, डबल ऑफ द पी जेड इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन इक्वल टू 0.6। अब 0.6 पे जेड की वैल्यू देखो क्या होगी, 0.6 पे वैल्यू है 0.2257, तो बस 2 मल्टीप्लाइड बाय 0.2257 ये आ गया, विच इज इक्वल टू 7 2 14 1, 5 2 10 और 1 सॉरी 5 2 10 और 1 11, 1 2 4 5 और 0.5। दिस इज द करेक्ट आंसर, ये हमारी प्रोबेबिलिटी हो गई। अब अगले क्वेश्चन के बारे में देखते हैं, देखो क्या कह रहा है, इफ एक्स डिनोट्स नंबर ऑफ द स्कोर इन टेस्ट, एक्स मतलब नंबर ऑफ द स्कोर दिखा रहा है, इफ एक्स इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, यहाँ रैंडम वेरिएबल नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, नॉर्मल वेरिएट दिया हुआ है यहाँ पे, नॉर्मल वेरिएट इन द सेंस एक्स रैंडम वेरिएबल की बात कर रहा है, जहां मीन तो है 100, स्टैंडर्ड डेविएशन है 15, हमें कहता है कि एक्स डज नॉट एक्सीड 130, एक्स 130 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, वो निकाल के दिखाओ। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा अलग करके चलते हैं। आप देखो पहले तो क्वेश्चन समझो, आप सभी हमें कहता है, हमें जो प्रोबेबिलिटी निकाल के दिखानी है, हमें निकाल के दिखानी है पी एक्स की वैल्यू 130 से एक्सीड नहीं करनी चाहिए। तो मैं ऐसा लिख सकता हूं ना, एक्स की वैल्यू 130 से छोटी हो सकती है और इक्वल भी हो सकती है। तो अगर एक्स की वैल्यू मेरे पास है, स्टैंडर्ड डेविएशन हम निकाल सकते हैं बहुत आसानी से, एक्स माइनस में म्यू डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। एक्स तो है 130, मीन हमें दे रखा है 100, स्टैंडर्ड डेविएशन है 50, तो आंसर आ गया 2। तो अगर मैं इसको ऐसा बोल रहा हूं तो इसका मतलब अगर एक्स की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 130 है तो जेड की वैल्यू लेस देन कितनी हो जाएगी, 2 लेस देन इक्वल टू। अब आ जाओ वापस से नॉर्मल कर्व पे, नॉर्मल कर्व कह रही है कि 2 से छोटा सारा एरिया निकालना है, पर यहां पे ध्यान दो ये तो हाफ ऑफ द एरिया है ना, तो क्या मैं इसको ऐसा नहीं लिख सकता, 0.5 प्लस इतना सा एरिया जिसको मैं ग्रीन से शो कर रहा हूं। अब इस एरिया को हम क्या लिखेंगे, पी ऑफ जेड जो है वो 0 या 0 से बड़ा है या फिर 2 से छोटा है। तो देख लेते हैं 2 पे क्या वैल्यू निकल के आ रही है, 2 पे आ रहा है 0.4772, 0.4772, तो आंसर आ जाएगा 0.5 प्लस 0.4772 विच इज इक्वल टू 7729, तो 0.9772 इज द करेक्ट आंसर, सी इज द करेक्ट आंसर। आई होप अच्छे से क्लियर हुआ। 30 सेकंड्स के लिए फटाफट से रीकैप करते हैं। सबसे पहले आपने क्या ध्यान देना है, यहाँ पे हमारे पास ध्यान होना चाहिए कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का फंक्शन क्या है, डेंसिटी फंक्शन, रैंडम वेरिएबल की वैल्यू माइनस इनफिनिटी से इनफिनिटी पे लाया करती है, क्या हमारे पास नॉर्मल कर्व बनने वाली है जब हम नॉर्मल वेरिएट की बात कर रहे हैं, जहां पे एक स्टैंडर्ड डेविएशन को दिखा रहा है, जहां पे एरिया क्या है 68, 95 और 99.7 रूल लेके जा रहा है, ठीक है। नॉर्मल कर्व बनेगी, कर्व बनेगी बेल शेप, एरिया अंडर द कर्व की नोटेशन है और मीन मीडियन मोड इक्वल है, क्लियर। और स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन किसको बोला जाता है, जब मीन 0 हो और स्टैंडर्ड डेविएशन 1 हो, तो z जिससे डिनोट किया जाता है, जिसका फॉर्मूला हमने यहाँ लिख दिया। और किस तरीके से क्वेश्चन हैंडल करने हैं और किस तरीके से हमारा ग्राफ बन के जाने वाला है उसके बारे में हमने अभी बात करी, यानी कि नॉर्मल वेरिएट और स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट में क्या डिफरेंस है, उन सब चीज़ों के बारे में हमने बात कर ली। एक छोटी सी चीज़ और यहाँ पे ऐड कर लेते हैं, देखो जैसे हमने सीआरवी डीआरवी के अंदर पढ़ा था कि समेशन ऑफ ऑल पीआई इज इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है ना, ऐसे यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ ऑल माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी हमेशा क्या होगा, 1 होगा।
इसको मैंने आपके बेसिक के अंदर भी कवर अप किया था, तो इस चीज को ध्यान रखेंगे। आई होप टॉपिक आपको समझ आया है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, और इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं, खास करके जितने भी पी वाई क्यूज हैं, मैं स्पेशली वही पिक करने वाला हूँ कि कितने पी वाई क्यूज कौन कौन से नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से या स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से हमारे पी वाई क्यूज निकल करके आए। ठीक है, तो फाइल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा। आई होप सब कुछ बहुत प्यार से बहुत अच्छे तरीके से आप सभी को समझ आया। समझ आया तो लाइक और शेयर जरूर करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, सेम टाइम सेम जगह अगले दिन। हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ यू। बाय बाय बाय।